बाबर आजम ने चार मैच खेले, विराट ने दिए, तो बेमानी हमें क्यों कम मैच खेलने दिए गए? अच्छा, हम आउट हो गए थे, सॉरी सॉरी, नहीं रिटर्न वापस, ठीक है। तो बाबर आजम ने चार इनिंग्स खेली, 122 रन बनाए, 40 का एवरेज है बाबर का, स्ट्राइक रेट 101 का, इस वर्ल्ड कप की बात हो रही है। विराट ने 6 इनिंग्स खेली और 66 रन बनाए, 11 का एवरेज है विराट का, स्ट्राइक रेट भी 100 का है। कैसा कामरान भाई बताएं, ये आप कैसा दें? ये आप हमें बता रहे हैं, किसी और को बता रहे हैं कि चला दें ट्रेंड? यार मैंने सवाल करना है, वो किसी को फेवर करे किसी का, हम तो दोनों तरफ की बात है। 176 हो गए, मैंने वही बात, 176 हो गए भाई, अब अगर मगर का गेम आ गया, मैंने वही बात की है कि बाबर भी 6-7 क्या 10 मैचेस में भी ना ना करें। एज ए क्रिकेटर जो क्रिकेट को समझते हैं, वो ये नहीं कहेगा कि बाबर को ड्रॉप करते, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत बड़ी है। सही बात है। और विराट कोहली की तो परफॉर्मेंस दुनिया में है, इतने नंबर ऑफ 100 है, मैच विनिंग नॉक है, बस वही है कि एक नंबर ऊपर नीचे हुआ, तो आप देखें कितना बड़ा बैट्समैन है, वो भी कंफ्यूज हुआ हुआ है कि मैं अब कैसे खेलूं, किस मोमेंटम के साथ खेलूं, इंटेंट क्या डालूं। तो ये बाउंड्री लगी नहीं, एक और कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की हार इस मैच में यकीनी इसलिए तकरीबन यकीनी हो गई है, अब आप टेक्निकली कहें तो नहीं हुई, लेकिन ये कि क्योंकि अब चार गेंदों में 26 रन चाहिए, हर बॉल पे छक्का भी लगता है अगर, अनलेस नो बॉल ना हो जाए तो भी 24 रन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच तो हार रहा है, ये अब तकरीबन तय हो गया है, अब कितने रन से हारता है वो देखते हैं, और जैसे ही हारता है तो फिर हम देखते हैं कि सिनेरियो क्या आता है। अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माय सेल्फ, कि अफगानिस्तान को अगला मैच जीतना है तो बात ही खत्म है, फिर कोई अगर मगर का चक्कर नहीं है, हारता है तो भी यकीनी तौर पर आउट नहीं है, लेकिन वो सिनेरियो क्या है वो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये एजाज भाई, इस वर्ल्ड कप से पहले आपने सोचा था कि ये सिनेरियो होगा, अमेरिका इंटू सुपर एट और अफगानिस्तान इंटू सुपर एट और पाकिस्तान आउट, श्रीलंका आउट, न्यूजीलैंड आउट, अमेरिका का तो हवा बन गया था पाकिस्तान को हराने की वजह से, जब अच्छी टीमों से खेला उन्होंने तो 12-12 ओवर में, इंग्लैंड ने 11 ओवर में निपटाया। एजाज भाई पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी कामरान भाई, आप ये बताए पाकिस्तान की टीम थी? हाँ जी, अच्छा थी, हाँ, 11 लड़के बात बताएं, पाकिस्तान की टीम थी, टीम वर्क नहीं था। मैं इसी पे आपको दिखाऊंगा, चले मैच खत्म हो जाए, कि अमेरिका की एक प्लेयर ने इस तरह डिस्क्राइब किया है पाकिस्तानी टीम को कि वाकई अफसोस हो गया यार, ये क्या हो गया अली खान ने। लेकिन वो दिखाते हैं, अभी ये मैच खत्म हो जाए जरा, इसकी आखिरी दो गेंदें, तो फिर हम थोड़ा इस पर भी कमेंट ले लेते हैं। कमिंस 11 रन पे खेल रहे हैं, कमिंस T20 के पहले खिलाड़ी बन गए कि जिन्होंने दो मैचेस में दो हैट्रिक्स की थी पिछले दो मैचेस में, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल पिछला मैच वो जीत नहीं पाए थे। इससे पहले वसीम अकरम को भी एजाज हासिल है, वो टेस्ट में एजाज ही हासिल था, लेकिन बराबर हुआ है, थोड़ा नहीं है, हाँ बराबर हुआ है T20 में, जाहिर है वो ही इज द ओनली वन पैट कमिंस। और वैसे सो 206 रन बनाए इंडिया ने आज, और ऑस्ट्रेलिया चेस करते करते 180 पे आ गया, तो मुसलसल दूसरी शिकस्त का सामना है ऑस्ट्रेलिया को। इंडिया नाकाबिले शिकस्त अब तक इस वर्ल्ड कप, एक मैच बारिश हो गई और बाकी नाकाबिले शिकस्त, एक और स्नो बॉल और एक गेंद बाकी है। ये आज क्या हुआ ऑस्ट्रेलिया को, अफगानिस्तान के खिलाफ ऐसा खेलो फिर आज भी? देखिए मेरे ख्याल से जहां हार्दिक पांडे का कैच निकला है ना, मिशेल मार्श से, वो उस वक्त 6-7 स्कोर पे था, उसके बाद उसने 27 रन कर लिए, आप देखिए वही रन की वजह से हारे हैं। तो बड़ी दो मैचेस में ना फील्डिंग, जैसे ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड है ना फील्डिंग में, वैसे फील्डिंग कर नहीं सके, कैचेस अवेल नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये दोनों मैचेस हारे हैं। बॉलिंग में फिर आप देखें कि बिल्कुल ही ना, मेरे ख्याल से डोमिनेट कर दिया रोहित ने बॉलिंग को, कंफ्यूज कर दिया, कहां पे बॉलिंग करे। 29 रन तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को मारना रोहित का ही काम था, रन पड़ गया जी, एक ओवर में स्टार्क के दिया, एक वर्ल्ड क्लास ने दूसरे वर्ल्ड क्लास को ठीक ठाक फेंटा दिया, तो मेरे ख्याल से फर्क वहीं से पड़ा है। तो मेरे ख्याल से रोहित ने आज कितने रन बनाए, 92 सर, 92 और कितनी गेंदों पे बनाए, मेरे ख्याल में 41 बॉलों और अगले 20 बॉलों, उसका स्ट्राइक रेट 220 प्लस था, अगली 20 बॉलों पे उसने 42 रन बनाया, पहला 50 19 बॉलों पे बनाया, आप देखें इंटेंट देखें, अप्रोच इस टी20 वर्ल्ड कप का फास्टेस्ट 50 बनाया उसने।